कि हम दोनों को डैडी बुलाती है। इधर खड़े हो। जब मालिक को भूख लगती है तो सर्वेंट क्या करता है? खाना बनाता है। हार्ट शेप की रोटी बना लूँ आपके लिए। तो मेरे पापा को बिकनी पहन के घूमने की बड़ी आदत है। ये नौ महीने हाथ उठ जाए तेरे ऊपर। ए हेलो, हमारे यहाँ के सर्वेंट बेड पे नहीं बैठते, चल नीचे खड़ा हो। रजत नहीं है मेरे साथ में, और अगर रजत नहीं है साथ में तो कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। हाँ, आज रजत के साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि रजत ने कुछ लास्ट दो तीन प्रैंक्स में मेरी बहुत बुरी हालत करी, मुझे बहुत रुलाया, मुझे बहुत तंग किया। तो आज मैं रजत साथ प्रैंक तो नहीं करने वाली, आज मैं रजत को एक ऐसा टास्क देने वाली हूँ जिसमें रजत की हालत बुरी हो जाएगी। मैं रजत को 24 आवर्स के लिए अपना सर्वेंट बनाने वाली हूँ। हाँ, आप लोगों के लिए बहुत तड़ाकेदार एंटरटेनमेंट आ गया है अब ये। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे अभी क्लियर करनी है वो ये है कि सर्वेंट के नाम पे जो भी हम एंटरटेनमेंट करेंगे, जो भी हम ऐसी चीज़ें करेंगे, जो भी मैं टास्क रजत को दूंगी करने के लिए, तो उस चीज़ को आप प्लीज़ रियल लाइफ से रिलेट मत करना। दिस इज़ जस्ट फॉर फन एंड एंटरटेनमेंट, और सिर्फ आपको हंसाने के लिए, आपको इन्जॉय कराने के लिए होगा, कुछ भी रियल लाइफ से रिलेटेबल नहीं होगा। रजत मेरे पास आने वाला है, मेरे घर आ रहा है आज वो। सो गाइस, रजत आ चुका है मेरे पास में, और रजत को मैं बता देती हूँ कि मैंने क्या प्लानिंग करी आज की। आज रजत के ऊपर एक चैलेंज है। क्या बोल रही हो? क्यों बोलेगी दोबारा? कट मत करिए, वो लगा दी। क्यों बोलेगी दोबारा? बोलना नहीं आता ना। मुंह में अल्प ली गई जीभ लपलपाई। बोलू मैं? पापा बैठे हैं इधर, देख। पापा हाय बोल दो। पापा, आपको पता है आपके में और मेरे में एक चीज क्या कॉमन है? चलो पापा, एक क्वेश्चन का जवाब, आपको एक बात पता है, आपको आप में और मेरे में एक चीज कॉमन क्या? बताओ बताओ। चलो, एक चीज कॉमन है जो सबसे मेन कॉमन है। मेरी आदतें आप ही जैसी नहीं, ये हम दोनों को डैडी बुलाती है। क्या बोला तूने? डैडी पापा को समझ नहीं आया। कुत्ता है, कुत्ता गाय से बहुत गंदा है, गंदी बातें करता है, गंदा। मैंने तो कभी ऐसा कभी बोला भी नहीं। बोल पापा, डैडी पंखा चला दो। पापा ने अभी नहीं। अरे बोलना तो दो मुझे, बहुत गंदे हो आप। गाइस प्लीज इस पर नेगेटिव कमेंट मत करना, वो सिर्फ आपको हंसाने के लिए बोल रहा था। प्लीज, मेरे को बहुत गुस्सा आता है ऐसी हरकतें करता है तो। वो हंसाने के लिए बोल रहा है, किसी ने गंदा कमेंट किया कि मारूंगी मारूंगी, गंदा ही है। रजत को बता देती है, रजत आज आपको एक चैलेंज एक्सेप्ट करना है। गजब बेइज्जती है। मेरी मर्जी, मैं कमरे से निकाल दिया है, ये बताऊंगा पहले। फिर हगी में बाल आते हैं मेरे। जी जी यार, फालतू में वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हम इन्हीं चीजों में आता आके पागल कर देंगे। जल्दी सुन लो, आज आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना है, डिक्लाइन करने के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या करने का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है? क्या बोल रहे हैं? डिक्लाइन करने का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और वो ये है कि आपको मेरा सर्वेंट बनना है 24 आवर्स के लिए। मुझे बाल कुत्ते ने काटे थे, मैं तेरा सर्वेंट। तो तुम मुझसे अंडरस्टैंड कुछ काम करा, पिछली बार सेइंग यस टू माय गर्लफ्रेंड वाला नहीं देखा? पकड़ो यार, मैं हाथ कांप रहा हूं बस। पकड़ो, आप पकड़ो। अच्छा एक बात बता। ओ चलो 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 चलते हैं। ये क्या मेरे पास सर्वेंट बनाएगी आज? मैं इसको पूरे दिन इरिटेट करूंगा। देखो गाइस, मेरे लव बाइट देगी स्वाति, दियो जरा। दिखाओ इधर, पहले दिखाओ, खून तो नहीं आ रही? गाइस खून आ गया। देखो गाइस,
जोर से लग गई, एक तो मेरे से व्लॉग भी नहीं हो रहा, इधर दिखाओ। पानी लिया, ठंडा लिया। प्यार से बात नहीं करेगी तू? आपको बात समझ नहीं आ रही क्या? मैंने बोल दिया आपको, आप मेरे सर्वेंट बनोगे तो बनोगे। क्यों बोलूंगा? मुझे पता तो अंडरस्टैंड काम कराती है भैया। मैंने सही यस टू वाला जो याद है आपने गाइस नहीं देखा तो देखना जरूर। पागल ने मुझे बताओ मतलब लिंगरी की शॉपिंग कराने के लिए देगी अंदर? ऊपर से कह रही सड़कों पे डांस करो, तो मॉलों में जाकर लड़कियों से नंबर मांग के आओ। भैया इसके ऊपर इससे तो डर लगता है मुझे, एक बार मान ली थी इसके बाद ऐसी ठोकती है मेरे को। फिर भी आज आपको मेरा सर्वेंट बनना पड़ेगा। क्यों बनना पड़ेगा? क्योंकि मैं मर जाऊंगी अगर नहीं बने। मैंने कह दिया। चल ठीक है, मैं तेरा सर्वेंट कितनी देर के लिए? 2 घंटे? नहीं, 24 रात। हाँ 24 रात में ही सुला लियो मुझे अपने, यही तो सो गया। हाँ जी हाँ, हम साथ में ही हैं। हम साथ साथ हैं। चलो हमारे बच्चे पहला साथ टास्क आपका रेडी होता है अब। अच्छा, जैसे कि आप मेरे सर्वेंट हो, बोलो आपको पता है, और मेरे मुझे बताया गया, पता नहीं है बताया गया। मेरे पैरों में हो रही है बहुत ज्यादा दर्द क्योंकि मेरे कर बहुत सारा काम, तो जाके एक तेल लेके आओ, तेल लेके आके मेरे पैर दबाओ। गाइस वो थोड़ा व्लॉग है ना बीच में रुक गया था क्योंकि हमें बैठने की जगह नहीं मिल रही। गाइस हम जिस रूम में बैठ रहे हैं उस रूम में आ गया कोई ना कोई, पहले पीछे बैठे थे, वहाँ पे इसकी मासी आ गई और मम्मी आ गई बैठने के लिए, फिर हम आ गए थे रूम में, वहाँ पे इसके पापा आके सो गए। मुझे भी पापा आगे फटाफट से सो गए। हाँ मुझे भी कहते कि बेटा तू भी सो जा, मैं कहीं एक ही डैडी के साथ सोती है। फिर बकवास, आप बहुत गंदी बातें नहीं कर सकते। इसकी बात को प्लीज कोई सीरियस मत लेना और कोई भी गंदा कमेंट मत करना, मैं इसको बहुत मारूंगी, पहली बता रही हूँ। किसी का दे कमेंट्स तो गंदे आ जा ही जाते हैं, इनके पास कुछ काम नहीं है, वो कमेंट्स ही गंदे कर लेते हैं। उनकी शक्ल तो है ही गंदी, कमेंट्स भी गंदे कर लें, क्या फर्क पड़ता है मेरे को? अब जो कि मैं आपको बता रही तो ऐसे मैं बता रहा हूँ, मैं उन्हें लगता है मुझे समझ नहीं आता। कहीं तो मुझे ये भी पता है कोई अपनी नॉन बंदे होते हैं फट्टू से नए नए से अपने अकाउंट बना के, उनसे क्या होता है कमेंट करते हैं उल्टे सुलटे और जानबूझ के स्पैम कमेंट्स करते हैं जो बार 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 बार, उन्हें लगता है मैं समझ नहीं आता। बट बेटा तुम अभी बच्चे हो, बच्चे भी नहीं क्या? और अगर तुम रियल लाइफ में आके बात बोलोगे ना तो रजत आपको बहुत अच्छे से उसका रिप्लाई कर देगा, बट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं, बोल ही नहीं पाएंगे। सब छोड़ रिप्लाई भी नहीं दी, वो बोल ही नहीं सकते। जा, ये शायद सोचते हैं बंदी बंदी के चक्करों में लग गया, लड़का सुधर गया होगा, पास्ट मेरा बहुत कमीना वाला है सालो, हमारे पुश्ते तक रुला दूंगा मैं अगर अपने पे आ गया तो। मेरा बेबी, बेबी क्योंकि मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता, इसको फर्क पड़ता है कि यार लोग ऐसे ये मैं साफ दिखता फेक अकाउंट है, नए नए अकाउंट बना के एक फॉलोअर नहीं होता, एक ही को फॉलोइंग समझ लो दिख जाता है फेक अकाउंट है अनशन नाम उसे। चलो चाटे मैं तुम्हारे घर के बर्तन तक भी धुलवा दूंगा। मैंने एक बार सुना था अगर आपके हेटर्स बढ़ने लगे तो इसका मतलब होता है कि आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो। मैं पहले ही सक्सेसफुल हूँ, जितने अगले 20 साल में भी नहीं जाएंगे उतने पे मैं ऑलरेडी बैठा हुआ, समझ गए? सो अभी क्या है, पहले अभी के प्लेटफॉर्म पे आ जाए हम। जो बात सही में मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी वाली जिस चीज से फर्क पड़ता है तो मुझे उस चीज से फर्क पड़ता है कि इसे फर्क पड़ रहा है क्योंकि वो लोग गलत लिखते हैं, गलत तो बोलते हैं। इतना फर्क क्यों पड़ता है? लेटा के मारूंगा और उनका कोई बाप भी हो ना जो बचा सकता वो भी आ जाए। खैर छोड़ो, हम किस जोन में जा रहे हैं, हमें तो हंसाना है। एनीवेज अब आपको पता है ना आपको क्या करना है। देखो मैंने ना बहुत शिफ्टिंग में बहुत अपनी ऐसी तैसी कराई है, मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। सो आई वांट यू टू मसाज ऑन माय पैर्स। कोई बात नहीं, जाओ बॉडी लोशन लेके आओ और फटाफट से मेरे पैर दबाओ और पैरों पे बढ़िया मसाज दे दो। मैं तो नहीं हिला रहा। यू हैव एक्सेप्टेड द चैलेंज। मैंने तो कब बोला बेटा ये जो तू प्यार की जुबान का पक्का आदमी, जुबान नहीं होता है इसे। अच्छा हटो, लान दो, जा जोर 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 मशीन पियो तेरी उड़ी अड़ी ये आराम से आराम। ओए होए होए, मजा ही आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मैं वैसे भी बहुत बार करता रहता हूं। जब तू जाती है ट्रिपों पे, जब जहाँ तू अपने कच्चे पहनती है, जब तू शॉर्ट्स पहनती फिरती है, तब तो मैं बोलती नहीं मेरे मॉइस्चराइजर लगा दे, मेरे लेसन लगा दे। पर अभी तो आपको मसाज करनी है ना, मॉइस्चराइजर थोड़ी लगाना है। अच्छे से करो, अच्छे से। तो गाइस देख रहे हो मेरे पैर कितने चमक रहे हैं क्योंकि रोहित शर्मा ने इतनी अच्छी मसाज दी मुझे आधे घंटे तक, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसी हिसाब से थैंक यू सो मच।
आपने मुझे इतने पैरों में अच्छी मसाज दी, क्या कर रहे हो? टैटू शो ऑफ कर रहा हूँ। ओके, आपने मुझे इतनी अच्छी मसाज दी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे पैर वो अच्छा फील कर रहे हैं। गाइस गिर दूँ, क्या बोलते गिर दूँ? ये सही है, मैं सीटेट्स में बोल के हर बात में बचा लो। उसका पहला टास्क हो चुका है कंप्लीट, अब उसका सेकंड टास्क आने वाला है। तो जब तक आ रहा था तो सो जाता हूँ मैं। ए, काम हियर। कह दिया ना मैंने, इधर आओ, इधर खड़े हो, काम देखो। So, जैसे कि मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, लंच भी नहीं किया, कुछ खाया पिया नहीं, कुछ भी नहीं किया, तो क्या सजेस्ट करता है मेरा सर्वेंट मुझे इसके लिए? मैं बाहर से कुछ ऑर्डर करके मंगवाता हूँ। सर्वेंट बाहर से ऑर्डर नहीं करता है कभी भी, सर्वेंट क्या करता है? सर्व करता है। जब मालिक को भूख लगती है तो सर्वेंट क्या करता है? सर्व करता है। सर्व के साथ साथ क्या करता है? खाना बनाता है। Now you're on the point. अब आप जाओ मेरी रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ। मेरी माँ ने अगर ये व्लॉग देख लेना, चाटी चाटे देगी मेरे को, भले घर में कभी रोटी नहीं। सर्वेंट को पप्पी भी मिलती है फ्री में, पता मैंने। गाइस मेरा सर्वेंट अब मेरे लिए रोटी बना रहा है। ए तमीज से बोल रही, पुराना एक ब्लॉग बना रहा था रोटी रोटी बनाने का, इसकी तो जली हुई निकली थी मेरी, एकदम फूली फूली बोल रोटी थी। शर्मा जी मेरे लिए रोटी बनाते हुए इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई जितनी खुशी मुझे आज। शर्मा जी क्या कर रहे हो आप? मैं हार्ट शेप की रोटी बना रहा हूँ आपके लिए। मेरे लिए? देख रहे हो, एक तो रोटी बना रहा है ऊपर से हार्ट शेप की। जिना प्यार में क्या सच में डिजर्व करती हूँ? आप इससे ज्यादा करते हो। खुशी से हो रही है मुझे, होनी चाहिए आपकी खुशी के लिए तो करूँ बेटा। गाइस मेरी हार्ट शेप की रोटी तैयार हो चुकी है, ऐसे पकड़ लो ना इसको दोनों साइड से। प्यार है ये। चिमटा बेटा चिमटा ना। चिले लो एक। चिंता दो, चिंता दो, चिंता। मैं तो तेरी जवान सी में बट आप सच्ची बनाऊंगा फिर भी, क्योंकि आपको खानी है। ये मेरी बेइज्जती थी इज्जत। मम्मी को मत बोला, मैं बता रहा हूँ तो पहले बोलते किसी और क्या क्या नहीं करूँगा। दुनिया देख रही है, मम्मी देख रही तो क्या होगा? मम्मी क्या नहीं करूँगा। मम्मी इधर आओ। हाँ जी। ओ वाह, ये किसका दिल है? मेरा दिल है, बस वाते के दिल मिल रहा है। मैं नहीं बनाई ये रोटी। अच्छा, तेरी रोटी बना, रोटी तो कोई बना देगा, हार्ट की शेप बनाऊंगा उसके लिए। कैसे बनाई, कैसे दिमाग कैसे लगाया? मैं दिमाग के मुझे खाना बनाना यार, ऐसे कट किया है बीच में? नहीं मतलब बैलेंस ही हो जाती, किसमें कट करने की जरूरत है, वो इतना तो आता है, जरूरी थोड़ी कट करके बनाऊंगा। शे दिल वाली वो तो तेरी दिल चिलको तरी तरी। देखो गाइस गरीब हो, देखो मैंने गरीब से गरीब देखा, देखो तरी वाली गरीब खाती रहती है, हालांकि पढ़ा है कि घर में सब्जी नहीं खाती। स्वाति जी मेरी दिल वाली रोटी हो चुकी है। चलो एक बात और बताओ, जेन्युइन आपको मेरी कसम खा के बताओ कैसी बनी है, देख झूठ नहीं लोग। हाँ पर मेरा तो तोड़ने का ही नहीं मन कर रहा इसको। नहीं तो मेरा दिल बहुत बार तोड़ चुकी है, एक बार और तोड़ दे। जी जी चलो खाओ। मैं तोड़ देता हूं, चलो खाओ, मजाक सट के खाओ, खराब हो जाएगी। कच्ची तो नहीं है, बस ये देखो खा मेरी कसम। वेरी टेस्टी। मेरी कसम खा के बोल। आपकी कसम। कच्ची तो नहीं है, है ना? थोड़ी सी कच्ची है ना, बहुत टेस्टी। तेरी शक्ल देख के तो मुझे लग रहा है झूठ बोल रही है तू। बहुत टेस्टी। चलो खाओ फिर पूरी। पास हो गया गाइस। गाइस एक तो मैं इतने दिल पे पत्थर रख के खा रही हूँ ये, क्योंकि मेरा तोड़ने का बिल्कुल मन नहीं था, मेरा मन करता मैं इसे फ्रेम करा लूँ। मेरे सर्वेंट ने इतनी बढ़िया रोटी बनाई। तेरे चाटे सर्वेंट, मैं अपने ना रोल से बाहर क्यों आ गई? ए सर्वेंट लाओ,
नो 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 अगर हमने थप्पड़ मुझे नहीं चाहिए सब्जी वाली सब्जियाँ हट मुझे नहीं चाहिए सब्जियाँ नहीं पकियाँ सर्वेंट को गाय जी वही मालकिन है जो अपने नौकर के साथ चक्कर चला के बस गाइस ये मेरा सर्वेंट कुछ ज्यादा ओवर फ्रेंडली हो रहा है ये मेरे थाइस पे आके लेट गया है सर्वेंट ने सर्व किया और ये सर्वेंट थक भी गया है बस एक रोटी बना के थक गया थोड़ी सी मसाज करके थक गया खाना खा के थक गया मेरी सास ने मेरी रोटी भी नहीं दी आपके लिए नेक्स्ट टास्क भी तो आ गया है जैसे कि आप मेरे सर्वेंट हो है ना जो मैं बोलूंगी आपको वही करना पड़ेगा बिल्कुल तो मेरे घर में ना बहुत ज्यादा मिट्टी हो रही झाड़ू लगा दो भैया खड़े हो क्यों पागल अपने ससुराल में कौन झाड़ू मारता है आप ससुराल मत समझो इसको अपना ही घर समझो आप मेरे से बोर तो नहीं हो गए हो बहुत ज्यादा तो छोड़ दो फिर मुझे कितनी मस्त थी सुंदर ही दिखती थी अब देख आंटी जैसी दिखने फिर सोच रही हो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने ससुराल में काम नहीं करना चाहते हो तो फिर मैं सोच रही हूँ क्या हुआ मम्मी मैंने कोई बोला मैं मुझसे मेरे ससुराल में आज रजत मेरा सर्वेंट है तो जो मैं बोलूंगी वही करेगा गलत बात है ये झाड़ू नहीं पड़ेगा जो मर्जी जो दूसरा काम है वो खत्म होती है नहीं मारनी झाड़ू मैं तो पागल हूँ ना ठन ठन को पालू बजाती रहती हूँ अपने आप को बिल्कुल नहीं करना कुछ भी नहीं झाड़ू नहीं पकड़ेगा रजत तेरे को मैं नहीं कसम होगी रजत झाड़ू मिल गया रजत झाड़ू उठा लो मेरे को काम करने दे तंग मत कर प्लीज मेरे को काम पहले चाय भी बनानी है एक तो मेरे पापा को पिकनिक पहन के घूमने की बड़ी मम्मी की ईगो हट हो रही है आपकी भी तो मेकअप के ब्रश मैं उसका क्लेंजर है आपको प्रॉपर उसी में धोना है आओ राजा शर्मा इधर आओ गाइस अभी थोड़ा ऐसे धीरे धीरे करके सब कुछ सेट हो रहा है बस तू ही सेट नहीं हो रही तेरा समझ में आ तू कैसे सेट होगी ना ये पैसे से राजी ना इसे मैं टाइम दे के राजी मैं तो सब कुछ करके दे लेगी मेरे काबू में नहीं आ रही पता नहीं कैसे आएगी क्या मैं तो आपसे सेट ये देखो ऊपर वो मेरे ट्रैवल वाले ये वाले ब्रश मैं कल धो चुकी हूँ ये साफ सुथरे बने हैं बेटे ये ट्रैवल वाले है ना वो अभी एकदम से ऐसे मत करो चलो चलो ये रहे मेरे ब्रशेस और अब शर्मा जी से क्लीन करेंगे पेट अंदर पेट नहीं होता वो अच्छे से उसको आपको उसी में थोड़ा सा रब करना है पहले उसी में करो
थक गया क्या इतनी जल्दी? सर्वेंट है तू? शिफ्ट एक भाई 8 घंटे की होती है। रेस्ट कर ले 2 मिनट, आ रही हूँ मैं। मैं गाइस वैसे सच बात है, देखना ढंग से ब्रश पूरे साफ करती है, अगली बार से आप ही धोना। स्वाति वैसे ना मैं प्यार से समझा रही हूँ, बहुत ज्यादा रजत को तंग कर रही है, ये गलत बात होती है। क्या गलत बात होती नहीं, है? He is my servant. मेरे सामने ये नहीं, मेरा सर्वेंट है वो, नौकर है मेरा। माँ को बना ले नौकर, माँ से काम करा ले, रजत से मत करा, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा। ये नौ मेरा हाथ उठ जाए तेरे ऊपर। ए हेलो, हमारे यहाँ के सर्वेंट बेड पे नहीं बैठते, चल नीचे खड़ा हो। नौकर है वो मेरा। नौकर है यार वो मेरा। खड़ा हो क्या सिर का तेल? तुम्हारे यहाँ के सर्वेंट बेड पे बैठ जाते क्या? हमारे यहाँ बहुत हो गया, बहुत हो गया सच में। मेरी मासी अभी गोलगप्पे लेके आई, गोलगप्पे डाल। मेरे दिमाग के चक्कर में ना मेरा काम क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने क्या किया? चाय बना रही हूँ, चाट मसाला डाल दिया। इसको देखो, इसको देखो, ये बनती है मार। ये सुनो पापा को आज यही चाय पिला दो, बहुत मुंह चल रहा है ना आज, पापा कहेंगे चटपटी चाय आ गई। पापा ये देखो, तू अपने आप आकर जरा जिंदा रह रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं, मैं दिल दिया कोई नहीं आपके। वहां देखो मम्मी आपके लिए चाय बना रही, क्या चाय बनाई, जल्दी जाके देखो, हटा देगी मम्मी, जल्दी देखो, जल्दी देखो, देखो चाय में कैसे चाट मसाला डाल दिया मम्मी। भाई जी एक नंबर की झूठी है, अभी तक बड़ी मालकिन मालकिन मिली थी, अभी से मालकिन को धरती पे लाता हूँ। इसकी तबीयत खराब हुई थी, इसको इन्फेक्शन हुआ, और इसने मुझे मेरे से पहले दिन से बोला ना मैं झूठ बोलूँगा ना मुझे झूठ पसंद, इससे मैंने बोल दिया दिन में 3 बार से याकूट पीना है, मेरे से 5 का सेट दे दिया था। और भाई साहब मैडम जी ने क्या करा है, उस दिन जब मैं था तब तक तो मेरे से 2 बार पिला के गया था, अब गुस्सा मारूँ, और अगले दिन इसको 3 पीनी थी, उसने सिर्फ 1 पिया है, और मैंने से बहुत बार पूछा। हाँ मैंने 3 पी ली, 10 पी ली अभी अभी। मुझे बहुत मजा आ रहा है अब, मैं सच में कह रही हूँ मैं बहुत खुश हूँ कि डांट पड़ रही है। अरे स्वाति का फादर बोल रहा हूँ मैं, वैसे इतना खुश होता नहीं मगर जब ये डांट पड़ती है ना इसको बहुत खुश होता हूँ, मुझे मजा आ जाता है। हरकत ही ऐसी, मम्मी झूठ बोलती है, शर्म नहीं आती तेरे को? सच में रजत पागल बैठे हैं क्या? बीमार होके बैठे बोली में दर्द हो रहा है, दर्द हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक होने के लिए कुछ करना नहीं है। रजत मैं अभी तक कलस रही थी, अब मैं खुश हूँ कि तूने इसको डांटा। और डांटा क्या होता है, ये पापा को ये डांटती रहती है और काम पूरा लेती है, खाने पीने में चोर है, खाने पीने में चोर है क्या ये? खाने पीने में चोर है, गंदी सी है यार, बहुत गंदी है। तेरी जुबान से तो अच्छी है, दवाई समझ के पीजा। अरे टेस्ट भी अच्छा है पापा इसका, तो कोई बेकार टेस्ट थोड़े है, मीठी दही जैसा टेस्ट है। हर तो हो गया, खुद को ठीक करना नहीं, फिर रोना धोना मचाना रखा। तू पीजा में कहता बहुत टेस्टी है, मैं तो पीते रहता हूँ घर पे, पेट साफ करता है। आप पी के देख लो क्या चीज है, कैसा लगा? दो बैठे हो पेट में गर्मी, कैसा लगा साथी? पापा भी पी रहे हैं, कोई बेकार टेस्ट है, बुरा तो नहीं देखो, लेट जो मारता है वो लगता है ना खट्टापन। साथी कैसा लगा?
मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी रजत को कह रही थी झाड़ू लगाओ, ये करो, डांस करना। अभी कैसे कर रही थी? तभी सर आ गया। सॉरी, तबीयत ठीक नहीं होगी ना कि ये व्लॉग व्लॉग बनाने लायक भी नहीं बच्चे की, किसी वहम में हो। ओके सर, चीज में ड्रामा। अब चाय मसाला डाल रही हूं। आज से 2 साल पहले स्वाति की मम्मी को मैंने एक गिफ्ट दिया था, बड़े प्यार से कस्टमाइज करवा के, कि मतलब लाइट जलाते थे तो इसके अंदर मेरी और उनकी फ़ोटो आती थी, वैसे ही शीशा होता था। ठीक है, अब हाल देखो सब क्या हो गया शिफ्टिंग के चक्कर में। ये थोड़ा सा ख़राब हो गया, अदरवाइज मम्मी ने संभाल के रखा हुआ था, फिर शिफ्टिंग के चक्कर में ना टूट गया। लेकिन इसे ठीक कर सकते हो बस ऐसे अटका के, कोई बात नहीं। और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, उनको अगर कुछ छोटी सी चीज़ बोलते तो वो रो पड़ती है। तो अब रजत मम्मी के साथ एक स्कैम करने वाले हैं। क्या फायदा मम्मी आपको गिफ्ट लाके देने का? मम्मी क्या फायदा आपको गिफ्ट लाके देने का? क्या बात करें आप? देखो ये देखो टूटा फूटा पड़ा है, पूरा टूटा क्यों पड़ा है? इसका सब कुछ है मेरे पास, बताओ। तोड़ फोड़ दिया वो सामान निकाला बेटा, सॉरी। ऐसे प्यार करते हो, बताओ। तोड़ फोड़ दिया पूरा, ऐसी चीजें गिफ्ट लाके दूं मैंने? बताओ हैं, देख खुद बताओ, मतलब क्या फायदा? नहीं मैं तो आज के मम्मी के लिए कुछ नहीं बना रहा। नहीं मैं देख लिया, नहीं मैं बहुत देख लिया। अब तू मैं क्या ही बोलूँ, तो तोड़ दिया मम्मी ने। कहाँ से तोड़ा है? ये देख, ये देखना, मैं बताती हूँ। उसने सामान निकाला, ये लग गया। हाथ भी कांप रहे मम्मी के, देख कितने जोर से। बताओ मेरे को, आप एक बिस्किट भी दोगे ना, वो भी संभाल के रखूंगा मैं। गोल्ड का अगर दोगे तो नहीं क्या? देख रोल रहा है वहाँ, मिट्टी में धूल चाटता फिर टूटा फूटा पड़ा है। बताओ गलत बात, मैंने सोच नहीं बोला भी था, घर में लगा के नहीं रखती। ये देख हम दोनों की शक्ल नजर आ रही है। अब क्या तो मिट्टी नजर आ रही है मुझे इसमें। नहीं अरे मजाक कर रहे हो? अरे कुछ नहीं हो, इसके पर एक बार वो क्लीनर हो जाएगा। चलो आओ, सामान सारा से नहीं लगवाती। अरे मैंने अपना सर्वेंट बुलाया हुआ, इसे करा दे गए। नहीं ये गलत बात है, मत बोल। मैं सच में कह रही हूं, मैं चाटा मारूंगी तेरे मुंह पे। मैंने कभी नहीं मारा ना तेरे को, प्यार करती हूं ना। ये गवाह है मेरी 9th क्लास के बच्चे, जब तुमने स्कूल में मुझे चाटा मारा था। हां वो हरकत ऐसी हुई थी तो स्कूल के अंदर वो भी गंदी गंदी गालियां देके आई थी बच्चों को। बच्चों चुप 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 खत्म। जैसे कि आपको दिख रहा है कि मम्मी बहुत ज्यादा इस बात से ऑफेंड हो रही है मेरे, जिसको मैं सर्वेंट बोल रही हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है, मैं कभी भी रहे तू तड़ाका की बात नहीं करती हूँ। चलो मैं व्लॉग एंड पापा से और कुछ नहीं सीखा, गालियाँ सीखी है। तो कौन है? मैं आपकी भाभी। ये होना एकदम टैगलाइन बढ़िया। ये बोलती ना प्रिंसी प्रिंसिपल, आपकी भाभी। तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, क्योंकि मुझे मम्मी से बहुत ज्यादा डांट पड़ रही है। कैमरा बंद करके इसको बहुत ही अच्छे से डांट पड़ी है, और अभी बेचारी ने हिम्मत करके कैमरा ऑन करा, मैं व्लॉग का क्लोजर तो ले ले, और अभी हम धीरे बोल रहे मम्मी फिर समझ। तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ी है, एंटरटेनमेंट के चक्कर में मैं भूल गई थी कि मैं बियॉन्ड द लाइन्स नहीं जा सकती, ऐसे तू तड़ाक नहीं कर सकती। तो कोई बात नहीं, गलतियाँ कर करके इंसान सीखता है, मैंने भी सीखी है। मेरी देखो कितनी हसीन गलती है, मेरी गलती। अब ये मुझे मक्खन लगा रहा है, अब ये चाहता है कि मेरा मूड ठीक हो जाए। आपका मूड वैसे भी ठीक करके मानूंगा, आपको मम्मा ने डांटा मैंने थोड़े डांटा। तो करता हूँ आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, देखते रहिए। और बहुत सारे प्रैंक आने, और जो मैंने किया है ये सब प्लीज इसको फन और एंटरटेनमेंट के ही सोर्स पे लेना, ऐसा नहीं है हमने नौकर समझ के उसको बदली गई। जो भी सब मैं भी मजाक कर रहा था, डैडी शैडी ये सब चीजें, तो ये सब चीजें मजाक में, ये सिर्फ आपको हंसाने के लिए था। तो आगे के ब्लॉग्स देखने के लिए कीप सपोर्टिंग अस और सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर। टाटा बाय।